कुछ नहीं होता। हम एक निर्दोष आदमी को फांसी नहीं चढ़ने दे सकते। Try to understand. समझने की चेष्टा तो आप नहीं कर रहे हैं। Your Excellency, he is right. पर आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, मैं आपसे महल में आकर मिलता हूँ। महारानी साहब, आपके लिए दूसरी बार भोजन गर्म करके लाई हूँ। रख दो। महारानी साहब, काशी भोजन के बिना जीवित रह जा सकता है, परंतु महारानी साहब, एक व्यक्ति आपसे मिलने आया है, वो गुप्त कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनसे कह दो वो महाराज की प्रतीक्षा करे, हम अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। महारानी साहब, वो समर सिंह के बारे में कुछ बताने आया है। महारानी साहब, हम फिरंगियों के यहाँ चाकरी अवश्य करते हैं, पर कहा गए बच्चों का पेट जो भरना है, पर मुल्ला आत्मा नहीं मरी, इसीलिए यहाँ है। आप हमें समर भाव के बारे में क्या बताना चाहते हैं? महारानी साहब, कुंदन जी की हत्या के बाद समर सिंह की सच्चाई सारे कैदी जान गए, और वो सब इन फिरंगियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। सब कैदी विद्रोह के लिए तैयार है, बस आप आदेश दे दें तो हम सब। हमें एक बात बताइए, ये कुंदन सिंह किस कैदी के साथ रखा गया था? फतेह खान। फतेह खान। लो खाना खा लो। ले जा, भूख नहीं है। क्यों? रोजा है। रोजा? अरे रोजा हम जैसे गुनाहगारों का कबूल नहीं होगा, हमारे तो मुंह पे मार दिया जाएगा। इन्नल फता मा यकूलो अनासा। खुदा ये नहीं देखता रोजा कौन रख रहा है, खुदा रोजा रखने वाले की नियत देखता है। सुभान अल्लाह भाई, कौन हो तुम? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी साहब, आप हमने सुना है कुंदन को तुम्हारी इसी कोठरी में रखा गया था। जी हाँ, उसे इसी जेल में रखा गया था, लेकिन अंग्रेजों के पंजों से सिर्फ उसे मौत छुड़ा सकती है। हम सब उनके रहमो करम पे पल रहे। ये भ्रम है तुम्हारा, मत भूल ये धरती हमारी है, इस पे उग रहा अनाज भी हमारा है। वो तो एक धूर्त फिरंगी हमारे इस अनाज को धोखे से सात समुंदर पार पहुंचा रहे, परंतु हमें ये सब रोकना है। फतेह खान बरसों से ले जा रहे हैं, ले जाते रहेंगे, कोई रोक पाया आज तक? आप अकेले क्या कर सकते हैं? क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि ये धूर्त फिरंगी हमेशा हमेशा के लिए हमारी धरती को छोड़कर चले जाएं? हाँ चाहते हैं, लेकिन एक अकेला फतेह खान क्या कर सकता? एक? तुम्हें इतने सारे लोग एक दिखाई दे रहे हैं फतेह खान। मत भूलो एक और एक 11 होते हैं, और जिस दिन हमने सबको अपना मान लिया वो दिन इन फिरंगियों के लिए इस धरती पर आखिरी दिन होगा। उस पाक बेनियाज का शुक्र है कि आपने यहां आकर इस बेगुनाह की आंखें खोली, लेकिन क्या करें, आज आप
समर सिंह को बचाऊंगा। हम उन्हें बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे, और तुम सबको भी बचाएंगे। वो तो इस धूर्त नेल्सन ने उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। और जी महारानी साहबा, उस पर झूठा इल्जाम है। मुझे कुंदन सिंह ने सब कुछ बताया था। क्या 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 बताया था कुंदन ने तुमको? जब समर सिंह की बहन की शादी थी तो जो हार महाराजा ने तोहफे में दिया था तो कुंदन ने चुरा कर पैसों की लालच में नेल्सन को भेज दिया, और नेल्सन ने तप्ता हुआ समर को उसके मुर्दा हाथों में रख दिया। हाँ महारानी साहब, फतेह खान बिल्कुल सच कह रहा है। हम सभी गवाही देने के लिए तैयार हैं महारानी साहब। समर सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। धन्य हो महारानी साहब, धन्य हो। एक विनती है महारानी साहब, एक विनती, हमारे समर भाव को बचाए लियो। तुम चिंता मत करो कन्हा, हम समर भाव को बचा कर ही रहेंगे, परंतु पहले ये तो पता चले कि वो है कहाँ। महारानी साहब, उनके फांसी देवे खातिर अलग कोठरी में रखा हुआ है। क्या महारानी साहब, अब कौन सा कोठरी है ये कौन नहीं जानते। कोई बात नहीं, वो जहां भी होंगे हम उनसे मिलकर रहेंगे। समर भाव को किस कोठरी में रखती है। हे, रुको। इस एरिया में सैनिक नहीं होते। तुम किधर जा रहे हो? साहब, आपने हमको बुलाया साहब? सब तैयार यहाँ हो गए? हाँ सर, आप खुद ही देख लीजिए। दिवाकर, तुम साहब को लेके जाओ। साहब आप जाइए। महारानी साहब, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, आप शीघ्र यहाँ से निकल लें। हाँ चलो। समर भाव की सजा रोकने की अपील लिखी। कल सुबह होने से पहले इस पर सारे कैदियों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान ले लीजिएगा। जी, हम आपकी वही प्रतीक्षा करेंगे। समर भाव, हम आपको इन फिरंगियों की कैद से छुड़ा कर रहेंगे, अवश्य छुड़ा कर रहेंगे। तुम्हें बात ध्यान से सुनो महारानी साहब, अपन समर भैया को बचाने खातिर ये कागज भेजे। ये कागज पर तुम सब आपन आपन अंगूठे का निशान लगा दो, और हाँ, ये कागज लेके महारानी साहब अपन समर भैया को फांसी के फंदे से बचा लेंगे। ये लो, फटाफट तुम लोग इस पे अंगूठा लगा दो। फिक्र है, तन पे हो सर मेरा, न जान जाने का डर जरा,
काटे सर मेरा तो गम नहीं। ए, क्या करो, चलो चलो अंदर। जो सर्वतन पे उधार था वही सर्वतन पे निसार है। और कितनी देर लगेगी? A few minutes. महारानी साहब ये लीजिए, सबके अंगूठे का निशान लगवा लाए। अब हम अपने समर भाव को बचा लेंगे। धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, जेल के सारे कैदियों ने गवाही के लिए इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। Very good, Your Excellency. अब तो हमें सेवर मिल जाएगा। ये देखिए सर, सारे प्रिजनर्स ने समर सिंह की फैंसी रोकने के लिए पिटिशन फाइल की है और इस पर अपने अपने थंब इंप्रेशन लगाए हैं। हमें समर सिंह की डेथ सेंटेंस का स्टे ऑर्डर चाहिए। You will have to wait a few minutes. The court will open at 9:30 a.m. You will get your stay order. Samar Singh ko 19 April din ko 1 baje phansi di jayegi. Now Samar Singh will hang at 10 a.m. sharp. Kilo Shanta. Samar Singh ko phansi dena ka samay aa gaya hai. Preparation shuru kar do. Avinashi tu tadanti yena sanavinam vinasham mukhyasya jagatasthit kartum arhati nayaya kendriya deva kadachin नायं भूत्वा भवितावानुयः अविनाशी तु तदविद्धि येन सर्वमिदं ददं विनाशं मुक्तयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावानुयः जल्दी करो भाई, अदालत खुलने वाली है। It's 9:30. समर सिंह के डेथ सेंटेंस का स्टे ऑर्डर। हे देवा, अब समर भाव को फांसी पर कोई नहीं चढ़ा सकता। जॉन साहब, आपका ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। हम जल्दी जाए प्लीज। जी।
समर बाब ये फिरंगी धोखेबाज है। समर बाब आपको इनका न्याय करने सहना पड़ रहा है। हम कहीं नहीं देख रहे थे वर्मा, अभी नहीं देख सकते थे मुझे। तुम्हारे समर भाव शहीद होने चाहिए, उन्हें रोते रोते विदा कर। और एक बात याद रखना, हमारा बलिदान व्यर्थ न जाने पाए। देखो झांसी की रानी, धरती की इस आन के खातिर, अपने स्वाभिमान के खातिर धर जाएंगे, मिट जाएंगे शौक से सीमातार। सर कटाएंगे हम, सर कटाएंगे, सर कटाएंगे हम, सर कटाएंगे। तुम बेकसूर हो समर सिंह, तुम बेकसूर हो। समर तुम चिंता मत करो, ये फिरंगी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। समर सिंह को उसकी धरती माँ ने पुकारा है। बहुत नींद आ रही है मेरे भाई, सोने जा रहा हूं। अपनी धरती मैया की गोद में। जेलर कहाँ है? वो तो समर सिंह को फांस देने गए। झांसी हमारी है, झांसी हमारी है। जय धरती माँ, जय धरती माँ। क्या? यस। परंतु समय तो 1 बजे का निर्धारित हुआ था ना? समय 10 बजे निर्धारित था। योर मैजेस्टी, द टाइम डिसाइडेड वाज 10 a.m.